मैं फैशन खान टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के पीएल लोखंडे मार्ग और हमारे बीच यहाँ पे जन अधिकार पार्टी की लोकसभा कैंडिडेट सुषमा मौर्य जी है, जो उन्होंने सोशल फील्ड के अंदर काफी मेहनत किया है। पूरे भारत के अंदर आज जिन्हें भी तकलीफ होती है, चाहे वो सोशल फील्ड में, मेडिकल में या किसी भी, सभी में वो दिन हो या रात हो, रात को भी दिन उन्होंने समझा, जहां लोगों के खून पसीने बहे हैं वहां पे अपने खून बहाने की ताकत रखी। आज आपके बीच में एक ऐसी कैंडिडेट मौजूद, हम जानना चाहेंगे, जो अपनी रैली की शुरुआत आज पीएल लोखंडे मार्ग ईशान्य मुंबई में शुरू करे। हम जानना चाहेंगे कि आज ये जो चुनाव लड़ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जनता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मेरा नाम सुषमा मौर्य है और मेरी करियर की शुरुआत मैंने 20 साल पहले से की थी। तो मैंने इसको करियर क्यों कहा, लोग करियर बनाने के लिए नौकरियां करते हैं, जाके पैसे कमाते हैं, पर मैंने समाज में अपनी इज्जत बनाई है। पिछले 20 सालों से मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, इसलिए मैंने हमेशा आवाज उठाई है। 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट से मैं मुंबई कोऑर्डिनेटर रही हूँ, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी की मुंबई कन्वीनर रही हूँ, मैं इस वक्त जन अधिकार पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज मेरे प्रचार की शुरुआत मैं पीएल लोखंडे मार्ग से कर रही हूँ। मैं जनता के बीच जा रही हूँ, मैं मेरे काम लेकर जा रही हूँ और वोट अपील कर रही हूँ। मैं एक ईमानदार उम्मीदवार हूँ, मुझे आप वोट करिए और मैं यहाँ पे उत्तर पूर्व मुंबई को नशा मुक्त बनाकर दूंगी। मैं मुंबई में एक एम्स हॉस्पिटल लाने के लिए वचनबद्ध हूँ, उसके लिए मैं आंदोलन करूंगी। मैंने हमेशा लोगों को घर दिलाने के लिए आंदोलन किए हैं और कल आपने देखा आपको मंडाला में किस तरीके से झोपड़े तोड़ दिए गए, तो उनके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी। आज से 4 साल पहले मंडाला में झोपड़े जले थे, तो आज रात को मैं वहाँ पहुंची थी और मैंने उनके खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, आज भी ऐसे काम करते रहूंगी। ऐसा है कि आप अगर किसी ने आपकी कोई भी किसी की समस्या होती है तो वहाँ पे अगर रात को भी आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ पे जाते हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली में जाते हैं तो क्या इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करेंगे या नहीं? बिल्कुल, मैं मुझे जनता यहाँ से जिताकर भेजेगी क्योंकि मैं जनता की उम्मीदवार हूँ। और मेरे साथ अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे साथ यहाँ पे करीब 450 कार्यकर्ता मेरे लिए साथ में काम कर रहे हैं, जो बिना एक रुपया लिए, अगर आप देखेंगे कि दूसरे उम्मीदवार है मनोज कोटक, उनका लोकमत ने स्टिंग किया, 200-200 रुपये में लोग भाड़े के लेके लोग घुमा रहे, पर मेरा एक भी व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज और देश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं जीत कर जब सांसद में जाऊंगी तो मैं जनता की आवाज़ बनूंगी और उत्तर पूर्व मुंबई के विकास की जो जुमले सरकार देती आई है, और उन्होंने विकास का और विनाश भी किया, नोटबंदी करके देश को बर्बादी के कगार पे झोंक दिया, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। 2013 में अगर आप देखेंगे तो जो बलात्कार की घटनाएं हो रही थी वो 316 के आंकड़े पुलिस ने जारी किए थे, पर अगर आप 2018 में देखें जो पुलिस ने जारी किए वो आंकड़े 750 के आसपास है, जो RTI के माध्यम से पुलिस ने दी हुई जानकारी है। तो सबसे पहले मैं महिला सुरक्षा की बात करूंगी, जो बेरोजगारी बढ़ी है उस पर लगाम लगाई जाएगी, किस तरीके से रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे उस पर बात की जाएगी, अच्छी सड़कें और पॉल्यूशन मुक्त देश, और जो तीनों डंपिंग ग्राउंड है उसको यहाँ से शहर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए मेरा आंदोलन शुरू होगा। इसी तरह से इनकी रैली यहाँ से निकलने वाली है और आगे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील खान है जो कैंपिंग मैनेजर है, इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत सारा काम किया है, कम से कम 40-45 तक मैंने अपने जान को लगा लिया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं जनता से ये अपील करूँगा, कांग्रेस ने किसी को हमने बार बार देखा है तो कहीं ना कहीं नया परिवार देखना चाहिए, अच्छे व्यक्ति और युवा को। इसी तरह से हमने बात किया शकील खान जी से कि एक अच्छी कैंडिडेट है ईशान्य मुंबई के अंदर, जो एक ईमानदार कैंडिडेट है, जो सोशल फील्ड में लोगों के लिए काम किया है, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें ही वोट करेंगे। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैशल खान, मुंबई।